हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है फजल मलिक एंड आई एम फ्रॉम ड्रीम्स अनलॉक। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग और आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है? अगर पढ़ाई नहीं चल रही है तो पढ़ना शुरू कर दीजिए आप लोग, क्योंकि बोर्ड का पेपर बहुत ही जल्द होने वाला है। तो आई होप कि आप लोग पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट हम लोग अपनी मैथ्स के टॉपिक पढ़ रहे थे स्क्वायर रूट्स, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ओके स्टूडेंट, तो अब हम उसी के आगे बात करने वाले हैं। क्वेश्चन हमने कहा था लगाएंगे और बुक हमारी कौन सी होगी? आरएस अग्रवाल होगी, आर एस अग्रवाल की होगी। ओके स्टूडेंट, क्लास एट का, क्लास एट। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग इसी में आगे अब बात करेंगे और क्वेश्चन लगाएंगे। ओके स्टूडेंट, चलिए फिर अपनी वीडियो को हम जल्दी से शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट हम बात करने वाले हैं थर्ड बी की, यानी कि जो हमारा चैप्टर है थर्ड वाला, ठीक है। चैप्टर हमारा कौन सा है? चैप्टर हमारा है थर्ड मैथ्स का। इसमें हम बात करने वाले एक्सरसाइज एक्सरसाइज थ्री बी की। थ्री बी किसमें हम क्वेश्चन लगाएंगे, क्यों? क्योंकि हमने थ्री ए था, क्या था अपने पिछले वीडियो में, इसमें हम क्वेश्चन लगा चुके थे और जो भी क्वेश्चन थे उसमें हमने आपको समझाए भी थे। चलिए फिर आज हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन पहला, दूसरा, तीसरा जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है कि क्यूब रूट्स हम कैसे निकाले, स्क्वायर रूट्स हम कैसे निकाले, वो हमने आपको डिवीजन मेथड ही बता दिया है, ठीक है। और स्क्वायर मेथड जैसे होता है वो भी हमने आपको समझा दिया था। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं पैटर्न की। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है फोर्थ वाला कि विदाउट एडिटिंग, जो एडिंग होती है, ठीक है, विदाउट एडिंग फाइंड द सम, बिना मतलब सम की हम कैसे इसको सम निकाले, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन की इनको किस तरह से एड किया जाए, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है एट क्लास का, इसको आप नॉर्मली ये समझ सकते हैं कि किस तरह ऐड करना है, बिना ऐड की इसका हमें ऐड निकालना है, एडिशन निकालना है, सम निकालना है कि कितना नंबर्स आएगा। तो आप सबसे पहले बस काउंट कर लीजिए कितने नंबर्स हैं यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। कितने नंबर्स टोटल नंबर? टोटल नंबर हमारा 11। और इसी 11 का हमें सिर्फ क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है स्टूडेंट। ओके, तो 11 का स्क्वायर हमें पता है कैसे निकालते हैं, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर यानी कि 11 कितनी बार लिखेंगे हम, दो बार लिखेंगे, 11 into 11। और इसका जो आंसर आता है वो आता है 121। ओके स्टूडेंट, आप इसको काउंट कर लीजिएगा, ये 121 के बराबर ही होगा, ठीक है, आप इसको मैच कर लिए। अब हम नॉर्मल एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसमें सेकंड क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा है। तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन हमारा फिफ्थ। अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है कि ऑड नंबर जो हमारे नेचुरल ऑड नंबर्स हैं वो हमारे कहां से जा रहे हैं, 49। अब हमें इसका क्या निकालना है, सम निकालना है। तो इसको हम नॉर्मली हम किस वे में कर लेंगे, देखिए आपको आसानी में समझाना है हमें, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले हम इसको पूरा लिख लेते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, यानी कि 1, 3 ये हो गया हमारा एक्सप्रेंड, यानी कि हमने इसको क्या लिख दिया, पूरा हमने लिख दिया। अब इसको हमें सिंपली फॉर्म में क्या करना है, सारे नंबर्स को हमें काउंट कर लेना है कि कितने टोटल नंबर्स हमारे यहाँ पे हैं। तो आप नॉर्मली जब ऐड करेंगे तो आसानी हो जाएगी। हम नंबर्स देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 नंबर्स हैं टोटल। कितने नंबर्स हैं? 25 नंबर्स हैं। अब हमें पता है 25 का जो यहाँ पे 25, इसका हमें क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। जब हम 25 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा इसका आंसर क्या जाएगा, 25 into 25, यानी कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना देगा, 625 आ जाएगा ये आंसर, ठीक है। इससे आपको क्या हुआ, आसानी हो गई आपको याद करने में और आपको क्या करना, क्वेश्चन सॉल्व करने में। इससे तो ये था हमारा फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर। चलिए फिर अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कौन सा है क्वेश्चन। तो स्टूडेंट अब हमारे पास यहाँ पे नंबर है 7, ठीक है। क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 7 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, 29 का स्क्वायर -28 का स्क्वायर। अब हमें इसका आंसर कैसे निकालना है, अब आप नॉर्मली ये मत करिएगा कि 29 into 29 - 28 into 28, इस तरह मत करिएगा, आपको बहुत लेंदी पड़ेगा। आपके पास फॉर्मूला है a² - b². अब अगर आप ये फॉर्मूला जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, ये लीजिए। क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला जो होता है एक ब्रैकेट में a+b और दूसरे ब्रैकेट में होता है a - b। ओके स्टूडेंट, इस फॉर्मूले को आप इसमें पुट कर दीजिए। देखिए 29 है, यहाँ पे 28 है, नॉर्मली अगर देखा जाए इसके ऊपर भी स्क्वायर है और इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं 29 + 28 और एक ब्रैकेट में हम क्या लिख सकते हैं, 29 - 28, यानी कि एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 29 + 28 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा 29 - 28। अब अभी क्या हो गया, आपके लिए इजी हो गया कि हमारा आंसर किस तरह से आएगा। देखिए
29 है और 28 है, नॉर्मली क्या कर लेना है हमें, ऐड कर लेना है। 900 कितना हो जाएगा 17, 17 का 7 कैरी 1, 2 4, 4 और 1 5। ये हमारा एक ब्रैकेट का था। यहां पे कुछ नहीं, क्या है मल्टीप्लाई, यानी कि दूसरा ब्रैकेट। 29 में से 28 माइनस हो गया, कितना बचा 1 बचा स्टूडेंट। ओके अब यहां पे क्या आ रहा है 57, इसके ब्रैकेट को खोल देते हैं तो मल्टीप्लाई 1 यानी कि 57 दैट इज आंसर। ओके स्टूडेंट, ये होता है हमारा फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चन लगाना। ओके स्टूडेंट, तो अब यहां पे हम इसी तरह के जो क्वेश्चन है आप इसको ट्राई करिए, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमसे कॉन्टेक्ट करिए। तो आज की वीडियो हम यहीं पे जो है रोकते हैं, और आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई हो। वीडियो समझ में आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके स्टूडेंट, बाय।